कुरान करीम, आज हम खजूर से डिशे बना रहे हैं। जो तीन चार डिशे हैं मेरे पास, और ये खजूर का मेरे पास पेस्ट है जो मैंने पहले ही से इसको वो कर लिया था, पानी में बॉईल करके थोड़ी ही सी देर रखा और फिर इसमें से गुठलियाँ निकाल ली और इसमें से ही छिलके भी निकाल लिए स्ट्रेनर की मदद से। और अब मैं इस पहले जो बनाऊंगी लड्डू बनाऊंगी खजूर के, अब मैं इसमें एक चम्मच भर के ये असली घी का डाल रही हूँ जो मेरे पास मौजूद था। थोड़ा सा मैं चूल्हे से वो कर लूँगी। ये मेरे पास ड्राई फ्रूट पहले से काट के मैंने रखे हुए एक एक चम्मच ड्राई फ्रूट का, ये मैं भर के डाल दूंगी। पिस्ते थे, ये काजू है मेरे पास, एक चम्मच इसका भी डाल दूंगी। एक चम्मच ये बादाम का भी डाल दूंगी इसी में। और मैं अभी इसे थोड़ा सा चलाऊंगी। ये ओट्स है मेरे पास, क्रैकर ओट्स जो होते हैं ये वो हैं, इसमें मैं डाल रही हूँ ये भी। तकरीबन मैंने 3 चम्मच डाले हैं। अब मैं ये खजूर का पेस्ट इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा, 2 चम्मच मैंने भर के जो है ना इसमें ओट्स के जो है 4 चम्मच डाले हैं, भर के डालें। पानी का इस्तेमाल नहीं करूंगी, अगर जब मैं ये लड्डू बनाऊंगी तो इसमें थोड़ा सा दूध का छींटा दूंगी बस। दूसरी डिश बना रही हूँ, जब तक वो ठंडा हो रहा है ये मेरे पास 1 कप मिल्क डालूंगी, ये 1.5 कप है मेरे पास। इसमें वो ही भर के मैं डालूंगी खजूर का पेस्ट। थोड़ा हिलाएंगे इसमें, दूध गर्म हो रहा है और उसमें मैंने 2 चम्मच खजूर के डाले थे पेस्ट के। अब ये डालूंगी मैं ओट्स इसमें, ये हम उसकी खीर बना रहे हैं खजूर की। अब मैं इसमें जो है 1 चम्मच जो है ना छोटा टीस्पून डाल रही हूँ, चाय का जो चम्मच है वो असली घी का डाला है इसमें मैंने। और ये 2 चम्मच टेबल स्पून जो है ना क्रीम है वो डाली है मैंने इसके अंदर। अभी ठंडा होगा और अब मैं इसमें ये डालूंगी जो मेरे पास बादाम पिस्ते सब है, ये मेरे पास बादाम है, मैं 1 टेबल स्पून इसमें डाल रही हूँ बादाम। 1 टेबल स्पून हाथ से डाल रही हूँ, मुझे अंदाज़ा है 1 टेबल स्पून काजू का डाला है। अब मैं 1 टीस्पून इसमें भर के शहद का डाल रही हूँ, बस अभी ये हमारा तैयार है। अब मैं इसको ठंडा करूँगी और बर्तन में निकालूँ। चलें अब हम चलते हैं तीसरी और आखिरी रेसिपी की तरफ, जो हम बनाना और खजूर का मिल्कशेक बनाएंगे। ये मेरे पास 1 कप मिल्क है जो मैं डाल रही हूँ इसके अंदर। 1 बनाना है मेरे पास, ये भी डाल रही हूँ उसमें, और वही 2 टीस्पून खजूर के, और थोड़ा सा पिंच ज़ैफ़रान, ये हमारा देखें तैयार है बनाना और मैंने खजूर मिल्क शेक। अब मैं इसको सर्व करूंगी।
इसमें मैंने चीनी यूज़ नहीं की है, इसलिए दोनों चीज़ें बहुत ही मीठी हैं, तो आपका ये नॉर्मल रहेगा। इसमें आप 2 गिलास के करीब बना सकते हैं, 2 चम्मच में। ये भी तैयार है हमारा, और ऊपर से थोड़ा सा ज़ैफ़रान, थोड़े से बादाम, थोड़े से काजू और थोड़े से पिस्ते। देखें बहुत मज़ेदार है, और ये रमज़ान में आप सहरी में भी और रफ्तारी में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो मैंने आपके सामने बना रही थी, ये बहुत उस वक्त गर्म था, अब ये ठंडा होने के बाद फिर मैंने इसको मतलब इसके लड्डू बनाए हैं, और ये मैंने खीर बनाई है, और ये मैंने खजूर का मिल्क शेक जो होता है बनाना भी इसमें यूज़ किया है, एक वो डाला है। और अब ये जो है खजूरें हैं, खजूरों से रोज़ा इफ्तार कीजिए और फिर जमजम पीजिए। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर लौट कर आऊँ नई यूनिक रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।